तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताऊंगा कि हम किस तरह से श्रीनाथ जी, जो कि नाथद्वारा में स्थित हैं, उनकी पेंटिंग का स्केच कैसे बनाएंगे। तो स्केच देखिए, सबसे पहले ये हम पगड़ी बना रहे हैं। पगड़ी के साथ में ये चेहरा जो है वो हमेशा श्रीनाथ जी का गोल होता है नीचे की साइड से, और ऊपर की साइड से थोड़ा सा चौड़ा होता है। तो ये देख लीजिए जिस तरह से हम इसके अंदर हमेशा फ्रेंड्स आँखों में और जो चेहरा है ये आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि बराबर हो, सही तरीके से हो, क्योंकि हमेशा ज़्यादातर इसी के अंदर गलती होती है। तो ये देख लीजिए, मेरे से भी 2-3 बार गलती हो गई। आप सबसे पहले एक इसका मार्जिन सेट कर दीजिए फेस के अंदर में। मार्जिन ऐसे सेट करिएगा कि नाक बना दी, नाक के इस तरफ और इस तरफ आँखों का जो स्पेस है वो बराबर हो, मतलब दोनों आँखें के बीच में जितना गैप होना चाहिए उतना ही हो, और जो आँखें हैं वो इसमें थोड़ी सी लंबी और पतली होती है, ये इस तरीके से। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एक रेफरेंस के लिए आप इमेज अपने पास में रखिएगा, ताकि क्या आपको बेटर लगे कि भाई किस तरह से क्या बनाना है वो आपको पता चलता रहे। आँखों के ऊपर पलखें होती है, पलखों की जगह होती है। नाक जो है श्रीनाथ जी का इस तरह से होता है, और नाक के यहाँ पे एक मोती आता है, और नाक के साथ में एक ये अपने नाक में पहनने की जो बाली होती है वो होती है, और फिर जो अपने होठ है वो सिंपल होठ है, और होठ के नीचे एक हीरा आता है। ये जो मैंने डबल जो बड़े बड़े गोले किए हैं ये शेडिंग के अंदर काम आएंगे। जब मैं आपको इसका कलर करके बताऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। ये श्रीनाथ जी के कान हो गए, ये बाली हो गई। ये मुकुट हो गया। तो इस तरह से श्रीनाथ जी की जो है पगड़ी में आप जितना वर्क कर सक पाएँ तो कर दीजिएगा, क्योंकि है जो श्रीनाथ जी की पगड़ी है, जितना आपके अंदर क्रिएटिविटी है वो सारी डाल दीजिए तो आपकी पेंटिंग ज़्यादा अच्छी लगेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम बनाएं, आपके अंदर कोई अलग डिज़ाइन है आपके पास तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये नथ बना दी, ये चीज़ जो मैंने बनाई है फ्रेंड्स गर्दन है, और ये चीज़ हमेशा जब आप कलर करोगे तो साथ में मिक्स हो जाती है, तो इसमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि आपका जो गला है वो बराबर हो और फेस जो है वो बराबर शेप में हो। ये जो है छोटे भी बना सकते हो आप, जैसे मैं ज़्यादा बड़े हो गए तो छोटे करके बता देता हूँ। ये है मोतियों की माला, हार जो है। हमेशा बॉडी बैलेंस आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। एक सिंपल सी माला बना दीजिए आप, जितनी आपकी पेज की साइज़ है छोटी सी बना दीजिएगा एक बार रेफरेंस के लिए, ताकि ऊपर का बॉडी का पोर्शन क्लियर हो पाए, और उसके बाद अगर आपको लगे कि बड़ी बनानी है तो आप बड़ी बना सकते हैं, बाकी एक बार रेफरेंस के लिए छोटी माला बना दीजिएगा जैसे मैंने बनाई है। और माला बिल्कुल पैरेलल में होनी चाहिए। से माला बनेगी, वैसे ये आप एक बार छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर बाई चांस माला बनाने में अगर आपके लगे कि भाई बड़ी माला बनानी है तो आप उसके अंदर पड़ेगा। ये अपन चेस्ट जो है वो बना रहे हैं, और कमर तो ये हमेशा बराबर होना चाहिए और बैलेंस होना चाहिए। फिर ये धोती बन गई, ये धोती छोटी है लेकिन इसके नीचे एक और थोड़ी सी बड़ी साइज़ का बनेगा। और हमेशा जो पाँव है वो फ्रेंड आपको पाँव ऊपर वाले बॉडी को देख के ही बनाने हैं, कि ऊपर वाली जो बॉडी है उसके अंदर बीच के अंदर पाँव आने चाहिए।
ना इधर ना उधर, दोनों एक साइड में ना हो, बिल्कुल सेंटर के अंदर हो। ये जूतियाँ मोजड़ियाँ जो होती है अपने, वो बनाई है मैंने इसके अंदर। अब देखिए ये दो जो धोती है वो थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी। अब जैसे ये जो माला है वो मेरी छोटी पड़ गई, तो मुझे अब हल्ला बड़ी बनानी पड़ेगी। तो देखिए मैं किस तरह से बड़ी बनाई मैंने। दोनों पैरेलल में चलती है। ये साथ में नारियल बनाए मैंने छोटे छोटे माला के साथ साथ में। ये एक छोटी माला है और साथ में इसके एक और, ये बीच का जो पोर्शन है आप चाहे तो इसके अंदर बॉडी दिखावे, और अगर आपको लगता है नहीं बन रहा आपसे तो आप पूरे को मोतियों की माला सेट भी ढक सकते हैं। उससे भी आपकी जो पेंटिंग है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक हाथ ऊपर जाता हुआ और एक हाथ नीचे पीछे की साइड में जा रहा है, इस तरीके से बनाया है। हाथ में बाजू बंद का स्पेस दे रहे अपन की, और कड़े का। ये एक बंसरी है, एक गुलाब का फूल बना देते हैं, सॉरी कमल का फूल। ये दुपट्टा हो जाएगा, दुपट्टा। एक इस तरफ भी दुपट्टा आ जाएगा, ये भी बना देते हैं। इसके साथ में ये फूल बना रहा हूँ छोटे छोटे। आप स्केल का भी यूज कर सकते हैं अगर आपसे बराबर ना बने तो, जैसा कि मैंने किया है। और बीच में जैसा कि मैंने बताया, अगर आप बॉडी बैलेंस ना बना पाए तो माला बना सकते हैं। मैं दो माला ही बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, ताकि आपको माला तो देखिए आप बना सकते हैं लेकिन बॉडी शेप आपको बताना ज़रूरी है। ये बाद में शेडिंग देंगे तब मैं आपको और डिटेल में समझा दूंगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ यार लाइक करिएगा, और कमेंट में आप बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और आपका कोई डाउट हो तो वो भी मुझे बताइएगा कि आपको किस चीज़ में समझ में नहीं आया और क्या चीज़ आपको और मैं अच्छी बता सकता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और चलिए यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।